हेलो स्टूडेंट क्लास एट, आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी का फर्स्ट लेसन आपका है कविता, एक है सरिता। तो यह पाठ्यांश जो है हमारी पाठ्यपुस्तक आधार की सरिता नामक पाठ से लिया गया है और इसकी रचयिता कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। और इस कविता में कवि ने नदी की विशेषताओं का वर्णन किया है। देखिए इस कविता को अब आप लोग। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल। तो कहते हैं, कवि कहते हैं कि यह लघु सरिता का बहता जल, मतलब कि इस छोटी नदी का बहता हुआ जल कितना शीतल कितना निर्मल, यह बहुत ही अधिक शीतल ठंडा है और निर्मल है, स्वच्छ है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, मतलब हिमालय से बहकर आने वाली, नहीं हिमगिरी के हिम से निकल निकल, हिमालय के हिम से बर्फ से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम जल, यह विमल दूध मतलब यह स्वच्छ दूध सा हिम का जल है, बर्फ का जल है। करकर निनाद कलकल छल छल, यह जल कलकल की ध्वनि में गान करते हुए मानो चले आ रहे हों, छलकते हुए आते हैं। तन का चंचल मन का विवल यह लघु सरिता का बहता जल। कहता है मानो शरीर की चंचलता और मन की लगन प्रदर्शित करता हुआ यह जल ऐसा है कि इस छोटी नदी का प्रभावित होता हुआ यह जल बहता हुआ आ रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिरी 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 की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल यह लघु सरिता का बहता जल। अब देखिए क्या है, ये ऊंचे शिखरों से उतरकर, मतलब यह जल जो है वो पर्वत की ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर गिरी 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 की चट्टानों पर, तो उतरकर कहाँ, पहाड़ की चट्टानों पर यह गिर रहा है। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, मतलब दिन रात और जीवन प्रयत्न यह जल कंकड़ पत्थर में ही प्रभावित होती रहता है। दिन भर रजनी भर जीवन भर, मतलब दिन रात ये उसी कंकड़ पे चलते रहता है। धोता वसुधा का अंतस्तल, और यह पृथ्वी का धंतल मतलब हृदय को वो हमेशा धोते रहता है। यह लघु सरिता का बहता जल ऐसा है इस छोटी नदी का बहता हुआ जल। हिम के पत्थर वो पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। कहते हिम के पत्थरों वो पिघल पिघल, मतलब पर्वत के कठोर हिम से यह जल पिघल पिघल कर बन गए धरा का वारी विमल, वो पृथ्वी का सुंदर जल बन जाता है। सुख पाता जिससे पथिक विकल, इस जल को थोड़ा पीकर पथिक जो है वो सुख प्राप्त करते हैं। पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, मतलब कि यह जो है पानी को, जो थोड़ा सा पानी पीकर राहगीर इसमें क्या करते हैं, इस मृदु जल को पीकर वो बहुत ही सुख प्राप्त करते हैं। नित जल कर भी कितना शीतल, तो यह जो है नदी में बहता हुआ पानी जो है वो प्रत्येक दिन गर्मियों से धूप से तप कर फिर भी कितना शीतल, फिर भी वो शीतल बहुत शीतल रहता है। यह लघु सरिता का बहता जल और यह बहता हुआ पानी नित्य ताप सहकर भी अत्यंत शीतल रहता है। कितना कोमल कितना वात्सल रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल यह लघु सरिता का जल। यह लघु सरिता का बहता जल मतलब कहता है कितना
कोमल कितना वात्सल, रीत जननी का वह अंतस्थल। मतलब भारत माता का हृदय धरातल पर कोमल जीवन रक्षक और पुत्रवत स्नेह करने वाला, इसका यह शीतल जल तृप्त करने वाला है। गंगा जमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युग युगांतर से, मतलब युग युगांतर से यह अविरल प्रवाहित होता चला आ रहा है। यह छोटी सरिता का प्रवाहित जल, यह जो छोटी सरिता है या जो छोटी नदी है, इसका जो प्रवाहित जल है ये अविरल चलती रहता है और इसका जल हमेशा शीतल बना रहता है। यह हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।